हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस डूइंग वेल। पिछले व्लॉग में मैंने सिर्फ विला दिखाया था, क्योंकि अगर ये भी उसी में डाल देता तो व्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाता। आज हम जा रहे हैं मेन शिमला में, जहाँ पे मॉल रोड, चर्च और जाकू टेंपल है, वहाँ पे जा रहे हैं। पहले हम जाने वाले जाकू टेंपल पे, उसके बाद जाएंगे हम मॉल रोड और चर्च के पास। तो आज का पूरा दिन हमारा शिमला में ही जाने वाला है और रात को हम वहाँ से वापस से निकलेंगे। जल्दी से तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, और तब तक कैब भी आ जाएगी, वो हमने बुक कर दी है। तो जैसे ही वो आएगी तो हम चलेंगे शिमला के लिए। अभी हमारा सब पैकिंग वगैरह हो गया है और टैक्सी भी आ चुकी है, तो चलते हैं सीधा टैक्सी में और फिर शिमला। कस्तों मजा है ले ले मा रम्मैलो काली ओडाली, कस्तों मजा है ले ले मा रम्मैलो काली ओडाली। अजुनू साजीने में, अजुनू ससीने में, एक चुनून एक दीवानगी, हर तरफ हर तरफ बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ हर तरफ। अभी असली शिमला स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये देख रहे हो सारे पहाड़ वाले घर। जब ये दिखना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाओ कि शिमला आ गया है। यहाँ पे अभी स्नो नहीं होती, क्योंकि स्नो और जो बर्फ वगैरह रहते हैं वो सिर्फ जनवरी में होते हैं। यहाँ पे ये पेड़ आ गए, मतलब शिमला आ गया। ये व्यू देख रहे हो तुम लोग, इनसेन भाई, मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं देखा, इतना खूबसूरत है ये। वो वहाँ दूर पे पहाड़ पे जो दिख रहा है ना, बस वही है हनुमान जी का मंदिर, जाकू टेंपल। तो वहाँ पे चल रहे हैं और यहाँ से बहुत दूर दिख रहा है वो। फाइनली हम आ चुके हैं जाकू टेंपल के पास। सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, इसके पीछे एक मंदिर भी है छोटा सा। यह है इस टेंपल का पूरा गेट, तो यहाँ से अंदर चलते हैं। आप पहले भी आए हो ना यहाँ पे क्या? पहले बार आए? पहले मैं आया हूँ, तब यहाँ पे बर्फ था, पूरा पूरा बर्फ ही बर्फ था। इसलिए उन्होंने यह बनाया ताकि बर्फ उसके ऊपर गिरे रास्ता। हाँ, पैदल आने में बहुत मजा आता है। ये पैदल, मतलब ये नीचे से हम गाड़ी से वो यहाँ से आ सकते थे। हाँ, ये हमें रास्ता पैदल का। अच्छा, ये हमें उधर से आना पड़ेगा, चर्च के उधर से, लेफ्ट से। हाँ हाँ, ये ऊपर पूरा हनुमान चालीसा लिखा है, स्टार्टिंग से एंड तक है ना, मतलब पूरा। पीछे थी वो मूर्ति और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, जैसे तैयार हुए वहाँ से निकल गए। तो यहाँ पे हम चाय नाश्ता कर रहे हैं पहले, वो करने के बाद फिर यहाँ पे दर्शन वगैरह लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, तो
जब छोटा था ना टीवी पे रामायण चलता था तो मैं बहुत देखता था, और तब ना मेरा राम जी के साथ बहुत अच्छा मतलब एक अलग ही कनेक्शन हो गया था। तो मैं ना तब से बहुत 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 सबसे ज़्यादा मानता हूँ तो राम जी को मानता हूँ। फिर मैंने बहुत जगह देखा था और रामायण में भी कि अगर आपको राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। बस सिर्फ उसी के लिए मुझे यहाँ पे आना था। ये लोग तो कहीं और ही जा रहे थे तो मैंने बोला तुम लोग उधर जाओ, मैं यहाँ पे जाके आ जाऊँ। तो जो टॉय ट्रेन थी ना वो आज हमें मिली नहीं तो इसलिए हमें यहाँ पे आ गए। मेरे लिए तो अच्छा ही, अगर ये नहीं आते ना तो वैसे भी मैं भी आने वाला था। बहुत अच्छा लगा जाकू टेम्पल पे आके। अभी हमने दर्शन वगैरह कर लिए पूरे और जा रहे हैं अभी मॉल रोड और चर्च के पास वहाँ पे घूमने। अभी हम जाकू टेम्पल से वापस आ गए और अभी हम जा रहे हैं किसी मार्केट में। राज भाई अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मॉल रोड हो गया, चर्च हो गया, मेन एरिया मतलब यही है शिमला का। अच्छा, ये शिमला का मेन एरिया। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, यहाँ लिफ्ट से जाएंगे ना? यहाँ पे हमें लिफ्ट लेना पड़ेगा। लिफ्ट की टिकट अराउंड 10 रुपये होती है पर पर्सन, तो सीधा ऊपर ले जाकर छोड़ देगा। बहुत कम रखे हैं। हाँ, 3-4 लिफ्ट चेंज करना है। हाँ, टिकट 10 रुपये की टिकट है और हम जाएंगे अभी लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। अब ये लिफ्ट है, मुझे लगा था रोक वाली लिफ्ट है। ये व्यू देखने के बाद भाई साहब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी हम लिफ्ट में गए थे लेकिन वहाँ पे एक या दो ही दुकान है, मतलब बाकी सब होटल्स की तरह है। तो अभी हम इस तरफ जा रहे हैं। नहीं, इस तरफ इतना ही था, इधर इससे आगे ना होटल्स हैं ऐसे छोटे जैसे दिख रहे हैं, मतलब सिर्फ रहने का है। ऐसे ही कुछ ऐसे होटल्स में दुकान है, उधर फायदा नहीं है। फाइनली यार चर्च आ गया। बहुत पैर दुख रहे पता है, बहुत नीचे से आए हम चलते चलते, ये बहुत ही ऊपर है। चर्च यहाँ से अच्छा दिख रहा है पता है क्यों? नीचे बर्फ बर्फ पड़ी है। राज भाई को थोड़ी एक्सेसरीज वगैरह लेनी है फोटोशूट के लिए, ब्रेसलेट्स चेन्स वगैरह, तो मुझे भी ब्रेसलेट लेना है एक। देखते हैं कौन सा पसंद आता है और वो लेते हैं। ये ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। ब्लैक देखा ये। अरे यार कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पता है, जितनी हमारे वहाँ मेले में होती है ना उन्हीं तो यहाँ पे थोड़े दुकानों में मिलके हो जाएगी। मैंने सुना है लड़कियों को मोमोज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आज हम भी खा के ट्राई करके देखते हैं भाई कैसे होते हैं। भाई जी एक प्लेट दे दो, 50 रुपये प्लेट है, हमारे उधर 30 रुपये प्लेट आती है। मैंने तो आज तक खाया भी नहीं है, पहली बार खा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज खा के देखते। चीनू किधर गया? अभी नहीं आया, सामान लेने गए। इतने में हम खाते हैं, थोड़ा मोमोज ट्राई कराते हैं आपको आज। भैया रेंदो रेंदो नहीं रेंदो रेंदो चिनो मिल गया, मोमोज खाओगे? हाँ हाँ खाएंगे खाएंगे। आज ये भी है देखो यहाँ पे आपने जो लिया अभी। यहाँ तक आए तो फोटोशूट करना तो बनता ही है क्योंकि हम जहाँ पे भी जाते हैं फोटोज तो क्लिक करते ही हैं। राज भाई को भी चाहिए फोटोज अपलोड करने के लिए इंस्टाग्राम पे, तो पहले उनके क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं अपने फोटोज क्लिक करता हूँ। अभी हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज क्लिक कर दी है राज भाई की और मेरी। राज भाई की तो बहुत बढ़िया आई है क्या? क्योंकि फोटो खींचने वाला बंदा अच्छा था ना। अभी हर बार यही बात बोलता हूँ कि खींचने वाला अच्छा रहेगा तो फोटो
अच्छा क्लियर होता है। घूम लिए तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अभी खाना खाने आए और इस रेस्टोरेंट में आए तो यहाँ पे खाना खाएंगे और फिर नीचे जाएंगे। अभी सनसेट हो रहा है और सन की लाइट्स ना घरों पे पड़ रही है और सारे घर ना चमक रहे हैं गोल्डन गोल्डन, पता है सोने की तरह। जनवरी में ना जब स्नो पड़ती है ना तब ये पूरा स्नो से ढक जाता है। सोचो कि स्नो पड़ती होगी तब कितना खूबसूरत दिखता होगा, ये अभी से इतना खूबसूरत है। अभी बहुत अंधेरा हो चुका है और हम यहाँ पे शिमला का ब्लॉग एंड कर रहे हैं। हम बहुत घूमे, बहुत मज़ा आया, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे फिर से चंडीगढ़ और फिर चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली में भी दो दिन रुकेंगे। तो मेक श्योर कि आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और आपको ये शिमला के व्लॉग्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।